Bhajji, आपके साथ कुछ बातें करना चाहते हैं आपके फैंस और ये कुछ पूछना चाहते हैं जो भी आपकी ख्वाहिश है आप बोल सकते हैं जी भाई साहब आई एम विकास फ्रॉम पुणे भज्जी पाजी हमने सुना है कि आप जल्द ही मूवीज में आने वाले हैं रियली या तमिल मूवी का तो मैंने भी सुना है तमिल मूवी पाजी बताएंगे पंजाबी एक्सेंट में तमिल कैसे साउंड करेगी यार पाजी पंजाबियों को तो हिंदी बड़ी मुश्किल से बोलनी आती है तमिल बोलेंगे आप पाजी बिल्कुल हाँ जी कुछ बताओ एक मूवी है तमिल मूवी जो जो मुझे बोला गया है कि लास्ट के 5 या 10 मिनट उसमें मैंने काम करना है अच्छा अब मेरे लिए वो चैलेंज ऐसा है वो 5 या 10 मिनट मुझे लग रहा है कि 5 या 10 घंटे नहीं 5-10 महीने होने वाले हैं क्योंकि वो लैंग्वेज इतनी टफ है बोलने एक्चुअली हालांकि मैं कुछ कुछ उनमें बोलता हूँ वनकम सर ये ना सोल रमा लेकिन सर हम आज जो है आपसे हिंदी मूवी का जो है एक लेजेंडरी डायलॉग सुनना चाहते हैं जो कि सनी पाजी का है गदर मूवी का हाँ सर आपको बोलना है कि बाप बनके बेटी की विदाई कर दो इसी में सबकी भलाई है नहीं तो अगर इस जट की सटक गई ना तो सैकड़ों को ले मरेगा और सर हाँ सनी पाजी के स्टाइल में बोलना है मान लो मैं अमरीश पुरी हूँ और ये अमीशा पटेल है और आप सनी देओल हैं अरे हमारी बेटी को लेकर जाओगे क्या बात है नहीं तारीफ नहीं करनी आपने लड़ना है अच्छा बाप बनकर बेटी की विदाई कर दो नहीं तो आज अगर यहाँ पे ये जट बिगड़ गया ना तो हड्डी पसलियां सबकी अलग कर देगा सबको ले मरेगा पारी सुपर थीगा सर एक 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 डायलॉग मैं गीता मैम के लिए बोलना चाहता हूँ सर अगर तुम्हारी इतनी हिम्मत बोलिए बोलिए आपकी इजाजत हो तो भज्जी भज्जी इशाद इशाद जी गीता 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 आंखें खोलूं तो गीता आंखें बंद करूं तो गीता क्रिकेट खेलूं तो गीता क्रिकेट ना खेलूं तो गीता मेरी आंखें बस गीता को देखना चाहती हैं आई लव यू गीता थैंक यू विकास थैंक यू आपने इतनी खूबसूरत फरमाइश की आपकी वजह से आज हमने भज्जी भाजी को डायलॉग बोलते सुना थैंक यू सो मच विकास थैंक यू वेरी मच थैंक यू भाजी प्लीज बैठिए और कोई हमारे दोस्त जी मैम आई एम विशाखा फ्रॉम मुंबई हेलो विशाखा सर मेरी एक रिक्वेस्ट है भज्जी सर से जी सर मैंने आपकी आवाज सुनी है आप बहुत अच्छा गाते हैं मैं एक रिक्वेस्ट है अगर मैम के लिए कोई रोमांटिक सा गाना गा दीजिए प्लीज पाजी वैसे कभी आपने भाभी को सुनाया गाना कोई नहीं गुनगुनाता वैसे रहता हूँ पर ऐसे मेरी आवाज अच्छी नहीं है आपने पता नहीं वैसे कहाँ सुन ली है निकले इनके हाँ देखो आ जाओ पाजी फिर आइए भाभी आप भी पाइए प्लीज हाँ अच्छा जहाँ वो मेरे सूर्य इधर उधर जाए वो वहां पकड़ के कोई चक्कर नहीं पाजी तो पहले पाजी को शुरू करने तो फिर आप उठाना हाँ जी जब कोई बात बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा तो हम ना कोई जी माइंड ब्लोइंग बहुत बहुत मजेदार गाया आपने जी और कोई हमारे दोस्त जी भाई साहब नमस्ते बाजी नमस्ते कपिल सर नमस्ते जी माय सेल्फ भरत सालुंके फ्रॉम पुणे एक्चुअली सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ मेरी एक ख्वाहिश है कि आप गीता मैम के साथ टाइटैनिक की जो आइकॉनिक पोज है वो मेरे को दिखाइए मुझे नहीं पता पाजी को आता कि नहीं वो पर एक बार मैंने फोटो देखी थी जिसमें ये ऐसे करके खड़े हुए हैं और आप और सुरेश रैना हाँ। कहाँ पे पिक्चर है हमारे पास या। दिखाओ जरा ये देख नहीं
नहीं नहीं ऐसी फोटो में मत दिखाया करो, लोग पता नहीं क्या समझ लेंगे। ये एक्चुअली बरसात हो रही थी मैच में, ये गोल की फोटो है श्रीलंका, तो बरसात हो रही थी, कुछ करने को था नहीं, बोर हो रहे थे, तो हमने खुद ही हम टाइटैनिक के पोज बना लिए। बट भाई टाइटैनिक का जो हाल हुआ था अक्सर एक्चुअली सर मेरी वाइफ ब्याज मेरे साथ आई है, तो अच्छा आप मुझे हमें सिखा देंगे तो हम भी वो पोज करके फोटो शूट कर लेंगे सर, प्लीज सर। आ जाओ फिर, किसने करना है? मैंने और म्यूजिक तो लगाओ, म्यूजिक आएगा। सबसे वेयर्ड रिक्वेस्ट है ये। क्या लाइट वो ही दो टाइटैनिक वाली, चलो हाय हाय। और तू ऐसे कर जैसे कि टाइटैनिक पर है। I'm flying Jack, I'm flying. Thank you guys, thank you Bhajji, thank you Geeta. आइए बच्ची ने गीता को मजाक में धक्का दिया, उसने भी धक्का दे दिया। कि सर पता चला कि मैम आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो ये अपने मोहल्ले के बच्चे हैं, ये इनको हम लेकर आए हैं साथ में, छोटा सा कुछ तैयार किया आपके लिए, पेश कर दे। बिल्कुल, इफ यू डोंट माइंड। रेडी? यस सर। हमें चाहिए बॉल और बैट। बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। स्कूल में आए क्या हम? पाठशाला चल रहा है यहाँ पे। क्या सिखाए थे तुमको यार? तुमको बोलना है हाउज दैट, हाउज दैट। अच्छा, अरे यार पहले हमको तो कुछ बोलने दो, हम कुछ बोलेंगे उसके बाद तुम्हें बोलना है, तुम ही शुरू हो जाओगे, कमाल कर रहे हो यार। हमें चाहिए बॉल और बैट। अब क्यों नहीं बोले? आपने कुछ कहां बोला, पहले कुछ तो बोलिए। कुछ कुछ आप लोगों का कोई भरोसा नहीं है, आप रहने दीजिए, शुरुआत का भी हम ही बोलेंगे, अंत का भी हम ही बोलेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे। ओके सर, सॉरी। हमें चाहिए बॉल और बैट, हाउज दैट, हाउज दैट। इतना सा कविता था सर, इतना सा। बिल्कुल इतना सा, इतना सा कविता आपसे याद नहीं हो रहा है, क्रिकेटर बनना है आपको। थोड़ा आसान सा सवाल पूछ लेते हैं, माहौल इजी कर देते हैं, शायद आपको देख के ना बौखला गए हैं सर, बोल नहीं पा रहे हैं आप लोगों को देख के। आई विल मेक इट इजी। इनको बताओ कि भाई तुम्हारा फेवरेट क्रिकेटर कौन है? विराट कोहली। एक बेसिक चापलूसी का रूल होता है, सामने जो बैठा होता है वही फेवरेट होता है। कुछ सीखो अर्चना जी से। चलो अब यही तुम्हारे फेवरेट हैं अगले 15 मिनट के लिए, ठीक है? क्रिकेट का बात ही नहीं करते सर, अलग ही बात कर लेते हैं। तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन है? अबे कभी पिक्चर में पैकेट करेगा? अरे वो क्रिकेटर है यार, कहाँ चले गए तुम? चापलूसी का भी हद होता है, सीधा हीरो भी। यार तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, गेट आउट। क्रिकेट में गेट आउट होता ही नहीं है, सिर्फ आउट होता है। अच्छा मेरे बाप, आउट। आपने आउट का इशारा किया ही नहीं। आउट ये तो सिक्स का इशारा है। अरे आउट, आउट हो गया। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.